नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है रॉयल बुलेटिन। दर्शकों, आज रॉयल बुलेटिन मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के खालापार इलाके में मौजूद है। यह खालापार का फक्करशाह चौक है। आप सभी को पता है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। लगातार रॉयल बुलेटिन भी अपना चुनावी सफ़र तय करते हुए हर गली, हर मोहल्ला, हर विधानसभा जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बता रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, इनसे बातचीत करता हूँ। चुनाव आ रहे हैं, इस पर इनका क्या मूड है और भाजपा के 5 साल कैसे निकले हैं इनके लिए? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ जी, टैक्सी। टैक्सी ड्राइवर है? हाँ, गाड़ी चलाता हूँ। 5 साल बताइए कैसे निकले हैं? बहुत बेकार बेकार रोजगार है नहीं, कारोबार ख़त्म, परेशानी परेशानी रही 5 साल तक। 5 साल तक परेशानी परेशानी रही है जी भाई। विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, कुछ दिखता है शहर में विकास? भाई मेरे से जाए तो आप घूम रहे शहर में, देख लो विकास कैसा है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जिधर को भी चले जाओ तुम, टूटे पड़ा है। जान सड़ रोड यो टूटा हुआ है, ये शामली वाला तो खैर बन रहा है, तो इस पे तो काम चल रहा है। बाकी जान सड़ वाला टूटा हुआ पड़ा, बस विकास कुछ नहीं है, विकास तो बस भाग गया। अच्छा, कुछ नहीं है। हाँ, चुनाव है, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। देखते हैं, अब इनका देख लिया, दूसरे का भी देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी पहली पसंद कौन होगा? गठबंधन। अच्छा, गठबंधन क्यों? अभी इनको देख लिया ना, गठबंधन इसलिए कि उसको देखते हैं वो क्या करता है, गठबंधन क्या करता है। परिवर्तन इसलिए कि वो देखते हैं क्या करता है। हाँ। अब वो भी सफल नहीं रहा, बस फिर दोबारा से इनको लिया परिवर्तन। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? जी मैं, मुझे नहीं पता जी, धन्यवाद। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम गुलजार अहमद। क्या करते हैं गुलजार जी आप? मैं मुंशी। मुंशी हैं आप? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है तकरीबन 71-72 साल। 71-72 साल हो गई उम्र आपकी। ये क्या लगता है सबसे बेहतर कौन रहा है अभी तक प्रदेश में? अभी तक? हाँ, कई सरकारें देख ली होंगी आपने। हाँ, कई सरकारें देख ली। कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी रही और उसके बाद में फिर अखिलेश की भी बहुत अच्छी रही। समाजवादी साल कैसे निकले? ये तो बस पूछो ना कैसे निकले, ये तो मैं पूछूंगा, बताओ मुझे। ये तो नर्क में रहे हम 5 साल तक, ये समझ लो नर्क में रहे। क्या समस्या हुई है 5 सालों में? सारी समस्याएं हैं, एक समस्या हो तो बताई जाओ। 5 बता दो मुझे तो। कोई 5 बता दे। बेरोजगारी लिखो एक। हाँ, बेरोजगारी। तालीम ख़त्म, स्कूल कॉलेज बंद। स्कूल कॉलेज बंद। दो नौ जो मुलाजिम है, मुलाजिम थे, नौकरियाँ थी, वो नौकरियाँ ख़त्म हो गई। नौकरियाँ ख़त्म हो गई। महंगाई बेहिसाब हो गई। और क्या बताऊँ, विकास कोई नहीं है। विकास कोई नहीं है, कोई विकास नहीं। विधायक जी कभी आए हैं क्षेत्र में? नहीं आए। विधायक की तो हमने शक्ल भी नहीं देखी, नाम सुना आज तक। अब चुनाव है, क्या होना चाहिए आपके अनुसार, क्या सही रहेगा? बदलनी चाहिए सरकार। तो कौन बदलनी चाहिए, कौन बेहतर रहेगा? हो सकता है ये गठबंधन वाले ज्यादा अच्छे काम करें। वाले ज्यादा अच्छे हो तो आपके अनुसार गठबंधन पहली पसंद है आपकी? हाँ, गठबंधन इसलिए पसंद है क्योंकि इन लोगों की है, बीजेपी वालों की है बहुमत से सरकार और इनकी जो है बस धांधली चल रही। ये किसी की सुनते नहीं, कहो जाओ कहो जाओ, इन पर कोई असर नहीं होता। तो इसलिए गठबंधन वाली, गठबंधन में इसलिए सही रहेगी। अगर एक गलत कर रहा है तो दूसरा कम से कम दूसरे का फिक्र रहेगा, ये टांग ना खींच ले, इसलिए बेहतर रहेगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। आप क्या करते हैं जावेद? यहीं से काम करते हैं, कपड़े काम करते हैं। युवा हैं आप, 5 साल बताइए कैसे निकले हैं? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। मेरे लिए नहीं है। हाँ। जो बेचारे बुजुर्ग हैं, हाँ, उनके भी लिए बिल्कुल बेकार। सबके लिए है, युवा नहीं है इसमें, सभी है इसमें। अच्छा, सबके लिए ही बेकार है। समस्याओं का तो पहाड़ है जी, गिनवाने पे आगे। चलो गिनवा दो, टाइम है मेरे पास बहुत। आप भी बताओ क्या योजना इसमें पास करी? कोई भी एक पत्थर तक नहीं लगाया मुसलमान के महल्ले में। और भेदभाव की सरकार है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छा, भेदभाव से अलावा और कुछ नहीं है। हिंदुओं के इलाके में पत्थर दिखते हैं? पत्थर वाली बात ही नहीं है, थोड़ा उनको दिखाई तो दे जाता है। हमारा नेता ये है, हमें तो दिखाई नहीं। हमारा नेता कौन है बताओ? आप ही संजीव बालियान जी हैं, वे विधायक हैं, वे तो सांसद हैं। हाँ, सही कह रहे आप कपिल अग्रवाल हैं, वे तो हमें दिखते ही नहीं है। 5 साल में कभी नहीं दिखाई दिए? आज तक नहीं दिखे। अब तो चुनाव चल रहे हैं, वोट मांगने आ रहे नहीं यार क्षेत्र में? मैं कह रहा हूँ वोट की तो बाद में बात है, जीतने के बाद भी नहीं दिखे, वैसे भी नहीं दिखे, हमें तो दिखे ही नहीं। वे कम से कम जिनके लिए जहर उगले उनको तो दिख भी जा, और उनको भी क्या दिखे, उनके भी बहुत समस्याएं हैं। मीडिया में काफ़ी, आप यूट्यूब पे उठा के देखो, यहीं के जो बेचारे हिंदू हैं उनके ऊपर जेल घोल के भेदभाव वाली समस्या बताते हैं,
हिंदुओं की भी, उन्होंने कुछ नहीं करा, बस सिर्फ ये है कि अब जीत गए और हिंदू मुस्लिम करवा दी, भेदभाव की सरकार है। अब क्या होना चाहिए? अब तो ये है कि अखिलेश की ज्यादा वो है कि अखिलेश ही आना चाहिए, अखिलेश जी आने चाहिए। हाँ, गठबंधन ये नल का है। आप ओबीसी का क्या प्रभाव है मुसलमानों पर? अजी ऐसा है, देखो जब वो यहाँ करनी है उसके बारे में कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो तो मुसलमानों के बड़े लीडर हैं। वो उसके बारे में कोई बात करके फायदा ही नहीं है क्योंकि वो हैदराबाद का है, हम यहाँ के हैं मुजफ्फरनगर के। उसके क्या नाम है आपका? रईस जैदी। आप क्या करते हैं रईस जी? मैं मीडिया से भी जुड़ा रहा के न्यूज़ चैनल में मैंने काम भी किया है। फिलहाल मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। जी हाँ, क्या लगता है इस बार क्या हो रहा चाहिए चुनाव में? चुनाव में तो ये कहानी जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन होना के अनुसार कौन बेहतर रहेगा? देखिए, बेहतर तो अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ कमी हर बार रहती है, इस पे तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये है कि इस बार ये भी नहीं कहा जा सकता कौन है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का पड़ला बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ओवैसी ने एंट्री की है और जहाँ जहाँ भी ओवैसी ने एंट्री की है बिहार में की है, जहाँ भी गए वहाँ बीजेपी को फ़ायदा हुआ है। तो ये तो नहीं ओवैसी के लिए आप प्रभावित नहीं है? ओवैसी नहीं, ओवैसी चूँकि देखिए ओवैसी बात करते हैं पर्टिकुलर मुस्लिम उसकी, लेकिन मुस्लिम डोमिनेट नहीं बन सकता क्योंकि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदू जो सेक्युलर है उनके साथ मिलकर काम करे, वही देश के लिए फ़ायदा है। अगर ये भेदभाव की बात है कि फॉर एग्जांपल हिंदू मुसलमान का हाथ काटेगा तो मुसलमान कम से कम उंगली तो काट ही सकता है, नुकसान दोनों को होगा, तो इससे देश नहीं चलेगा। देश चलता है कि जो सबको साथ लेके चले और सबके लिए रोज़गार मुहैया हो। ठीक है, 5 साल कैसे निकले हैं? 5 साल बता दिए। देखिए 5 साल तो ये कोरोना में चले गए, कुछ NRC CA इसमें चले गए, ये कुछ पता ही नहीं लगा 5 साल कहाँ को चले गए। विकास दिखता है नहीं दिखता? विकास रोजगार, विकास रोज़गार दिखे तो जब जब एग्ज़ाम हो, क्योंकि बहुत सारी जो वैकेंसी है अभी तक ऐसी कैसी पड़ी है, फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास और फिर एग्ज़ाम नहीं होते, जब एग्ज़ाम नहीं होते तो वैकेंसी कहाँ से निकलेगी। बात करी थी इन्होंने 1 करोड़ रोज़गार की, निकले कुछ 4 लाख, कल ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था 4 लाख रोज़गार कुल 5 साल में हुए हैं। ठीक है। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी जब गवर्नमेंट ऊपर से कुछ करेगी तभी विधायक जी भी करेंगे, विधायक जी के पास तो विधायक की तो अपनी नीतियाँ होती है खुद की। विधायक जी वैसे जो कपिल देव रहे कोई ऐसा ज़्यादा इनमें भेदभाव नहीं रहा है, जो गए हम भी किसी काम के लिए गए तो उन्होंने किया है। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? आप क्या करते हैं? फिलहाल तो बेकार हैं। कब से बेरोजगार हैं? साल भर तो पूरा ही हो गया। साल भर पूरा हो गया तो 5 साल कैसे निकले? बस कैसे निकले, मुसीबतों में निकल रहे और कैसे, मुसीबतों में निकल रहे। रोजगार ही नहीं है, कारोबार जो हमारा था वो बंद करा रखा, जो कबाड़ी का काम था वो सब बंद करा रखा है। कबाड़ी का जो काम था वो बंद है। अच्छा, चुनाव है, अब क्या मूड लगता है, क्या आपके अनुसार कौन बेहतर रहेगा? वैसे जो भी काम करने वाला का वही बेहतर है, बस जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। अभी तक किसने काम किया है? अभी तक किसी ने नहीं किया, कोई काम नहीं करा अभी तक कोई सी भी पार्टी ने, कोई नहीं, अलावा दुख देने का कुछ नहीं है, बस वादे ही वादे हैं, वादे वादे। जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। फैसल क्या करते हैं आप? बस मेरा यही पान की शॉप है। पान की शॉप है, सब सही चल रहा है काम धंधा? जी शुक्र है मालिक का। युवा है जी। 5 साल बताइए कैसे निकले हैं, सफल रहे नहीं रहे? अच्छे निकले हैं, वैसे कानून व्यवस्था के हिसाब से तो अच्छे निकले हैं, पर थोड़ा सा कारोबार की थोड़ी दिक्कत है लोगों को, मजदूर आदमी को। कारोबार की समस्या रही आपको? जी कारोबार की। सभी विधायक जी दिखते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं दिखते विधायक जी? हाँ आ जाते हैं। विकास भी दिखता है मुजफ्फरनगर में कुछ? मुजफ्फरनगर में विकास बस मुस्लिम इलाकों में तो कोई खास विकास है नहीं। मुस्लिम इलाकों में खास विकास नहीं है जी। अब चुनाव है, युवा हैं आप, क्या मांगे हैं और कौन वो मांगे पूरी करेगा? बस देखो सरकार तो मालूम नहीं किसी की, किसकी आ जाए नहीं मालूम। आपके अनुसार सबसे बेहतर कौन है? बसपा, सपा, कांग्रेस, ओवैसी, भाजपा? देखो देखो कानून व्यवस्था के हिसाब से तो बीजेपी भी ठीक रही और कारोबार के हिसाब से समाजवादी ठीक है। तो अब तो कंफ्यूज हो गए आप तो है? देखो किसके हाथ ये तो कारोबार पसंद करेंगे, कानून व्यवस्था पसंद नहीं करेंगे? कारोबार पसंद करेंगे, कारोबार पसंद करेंगे ना, तो जी, क्या था पहली पसंद आप? जी ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ आप क्या करते हैं?
हमारा कबाड़े का काम है। आपका कबाड़े का काम? जी। कैसा चल रहा है काम धंधा सर? काम बिल्कुल ठप पड़ा है। ठप? जी। क्या ठप हुआ है? पाँच साल से ठप पड़ा। पाँच साल से ठप पड़ा है। पाँच साल से ठप पड़ा है जी। युवा हैं आप? जी। रोजगार मिल पाया नहीं मिल पाया पाँच साल में? अजी रोजगार कहाँ, ठल्ली पड़े, कारोबार भी नहीं है कहीं भी। कारोबार नहीं है सर, तो ये पाँच साल बेरोजगारी में निकले हैं? जी बिल्कुल बेरोजगारी में निकले हैं। अच्छा चुनाव में क्या होना चाहिए तो बता दो। चुनाव में बंटी भाई की सरकार आएगी। बंटी भाई उठ रहे हैं आज समाजवादी का गठबंधन प्रत्याशी जी, वो आएंगे जी, वही आएंगे। अच्छा विधायक जी ने कुछ दिखाया विकास? विकास कुछ क्षेत्र में कुछ नहीं विकास करा। कुछ नहीं विकास करा, ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आसिफ। आप क्या करते हैं आसिफ? क्या नाम है जी आपका? शकील अहमद। शकील जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं जी। ये क्या लगता है चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? इस बार तो चुनाव में सबको पता है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? एक तरफा लहर चल रही है, योगी जी की छुट्टी है निश्चित। योगी जी जा रहे हैं आपके अनुसार? हाँ। तो आ कौन रहा है यहाँ? तो अखिलेश की और जैन जी की सरकार बनेगी यूपी में, समीकरण भी यही बता रहे हैं। समीकरण ये बता? हाँ। और हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में कोई विकास नहीं हुआ मुस्लिम मोहल्लों में। मुस्लिम मोहल्लों में बहुत, हिंदुओं में दिखता है विकास? हाँ बहुत सड़कें हैं, खंबे हैं, बहुत चीजें हैं, यहाँ नहीं है। मुस्लिम मोहल्लों में यू टू कहते हैं, हमने सबका विकास सबका साथ दिया, कोई विकास नहीं करा मुस्लिम मोहल्लों में। मुस्लिम मोहल्लों में कोई विकास? कोई विकास नहीं करा एक भी जमा थोड़ी सी एक भी मोहल्ले में। आप इसकी एक सड़क दिखा दो मुझे आप, कपिल अग्रवाल की। पत्थर कहीं नहीं लग रहा है? ना ना ना, ठीक है भाई। पत्थर लग रहा नहीं लग रहा? ना जी, मैं तो सुबह जाना हुआ मेरा तालाबों के पास। जो तालाबों से दाहिनी तरफ महल्ला है, सड़क पे इतना पानी भरा हुआ है कि वहाँ को पैदल निकलना भी परेशानी का सबब बना। अच्छा ये थोड़ा सा आगे चल के पुलिस चौकी है, इससे आगे सड़क देखो आप, चल के आगे तक ही बस जाते हैं लोग और आते भी हैं, लेकिन तो विकास का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये सांप्रदायिक वाली राजनीति है कि हिंदुओं के मोहल्ले में तो विकास है, मानते हैं आप ये भी? नहीं, उधर तो विकास देखो है, इधर हमारी तरफ विकास नहीं है। उनको विकास करने में क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग वोट नहीं देते बस? हाँ यही वजह है जी, उनकी नज़र में यही वजह है कि भाई ये लोग वोट देते नहीं तो हम इनका विकास क्यों करें। और नारा जो है वो ये है कि भाई सबका विकास और सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। हाँ लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिखता? धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या मूड है चुनाव में आपका? बस यहाँ तो अखिलेश को देंगे जी। अखिलेश को देंगे? अच्छी बात। आपका मोहम्मद शहजाद खान। बढ़िया चल रहा है काम धंधा? बढ़िया। पाँच साल से बढ़िया चल रहा है? पहले से बढ़िया? नहीं, पाँच साल से नहीं, ये अब के ये साल जो चल रहे हैं इसमें बहुत महंगाई है, रोजगार खत्म है बिल्कुल। रोजगार खत्म है बिल्कुल। चुनाव पे क्या मूड है इस बार, क्या होना चाहिए? देखो जी वैसे तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या होगा। टाइम तो आ लिया, 20 दिन बचे हैं। तो 20 दिन में तो नहीं हो तो बात सही, डिसाइड तो बस जब वोट डाल लेंगे यही बताएंगे। आप किसको वोट डालना चाहेंगे? पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार थी, अब भाजपा की थी, मायावती जी की थी, सबसे बेहतर कौन रहा है? मायावती की लगी है मैं बढ़िया। अच्छा क्यों मायावती जी की बेहतर लगी है? उसमें असल में कानून जो जैसा उसका बढ़िया था। अब गुंडागर्दी है? नहीं है तो नहीं। तो फिर कानून उनके बढ़िया? नहीं वो नहीं है, जब उनकी सरकार नहीं होती तो दंगे होंगे। हाँ। जब हो अखिलेश की सरकार होगी दंगे होंगे, इनकी नहीं होगी तो होने के लिए सेंटर में बैठे, यहाँ भी यही बैठे, दंगे कैसे हो जाएंगे? तो दंगे कौन करवाता है भाई? ये मिलजुल के कराने बस, की सरकार को बदनाम करो। अच्छा ये करवाते हैं? बिल्कुल। तो अखिलेश यादव जी करवाते हैं फिर तो इनकी सरकार बदनाम हो जाएगी? वो तो होनी है नहीं, वे तो पाँच साल में दंगा हुआ आप मुझे बताओ? नहीं पाँच साल में कोई दंगा नहीं हुआ। तो फिर जब सेंटर में ये हैं, यहाँ ये हैंगे तो कैसे हो जाएगा दंगा? जब इनकी सरकार नहीं होती दंगे होंगे? अच्छा बिल्कुल होंगे। आपका? मोहम्मद सबील अहमद। आप क्या करते हैं सबील जी? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता, अच्छी खासी जानकारी रखते होंगे क्या हुआ है, क्या आंकड़े हैं? भाई तो बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बेरोजगारी तो बढ़ी रही, पाँच साल से बढ़ रही है, पहले से बढ़ती आ रही है? अब शुरू से ही देखते आ रहे हैं बेरोजगारी तो बढ़ रही है, अभी से बढ़ रही है। पाँच साल कैसे निकले हैं? जैसे पहले से निकलते आए ऐसे ही अब निकल गए। कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ पाँच सालों में? ये तो अपने अपने आंकड़े हैं। आपके अनुसार कैसे गई ये सरकार? अब बेरोजगारी में वृद्धि तो हो ही रही। बेरोजगारी में वृद्धि हो रही। विधायक जी कैसे रहे? ठीक रहे विधायक जी। विधायक जी का काम बढ़िया? काम बढ़िया दिखता है खाला पार में कहीं? काम खाला पार में तो नहीं दिख रहा। तो काम कहाँ बढ़िया है फिर? शहर में तो है ही। इसलिए तो चुनाव में क्या होना चाहिए इस बार आपके अनुसार? आपके अनुसार कौन पसंद रहेगा आपकी पहली? मैं जहाँ पब्लिक जाएगी वहीं हम जाएंगे। पब्लिक तो अब ये तो अखिलेश यादव को कह रहे हैं, उधर बीजेपी को कह रहे हैं, तो पब्लिक तो जगह जगह जा रही है, जगह जगह थोड़ा जाओगे आप?
जाओगे तो एक जगह ही। असल में यहाँ बेड्डा चाल चले है, जब पब्लिक एक बार चल पड़ेगी नहीं सारे उसी की तरफ चल रहे। आप कह रहे थे कौन सही रहेगा, आप पब्लिक में तो चलने वाले हैं नहीं। हाँ कौन सही रहेगा, अखिलेश, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, ओवैसी, कोई तो होगा आपकी पसंद? हमें तो वही पसंद आ रहा, केजरीवाल जो आ रहा। हाँ केजरीवाल को ले लो आप, फिर कोई भी आ सके, सबका पब्लिक का अपना अपना मत है। अपना आपका क्या मत है वही तो पूछ रहा हूँ मैं, पब्लिक का नहीं पूछ रहा। अब तो ये 10 तारीख को पता चलेगा, आप 10 को पता चलेगा। अभी पहले से क्या बताते हैं जी आपका? मोहम्मद आबिद। कैसा चल रहा है काम धंधा सब? सही है, अच्छा है सर। 5 साल से अच्छा है, पहले से अच्छा है? 5 साल में तो बहुत कुछ बदल गया। क्या क्या बदल गया 5 साल में? महंगाई काफ़ी बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। दवाइयों के रेट लगभग 25-30% तक बढ़ चुके हैं। दवाइयों के दवाई बढ़ चुकी है, मतलब कम से कम महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ रही है। युवा हैं आप जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए, क्या मूड है, क्या मांगे हैं युवाओं की? युवाओं की तो कुछ भी मांगे है, सबसे महल ये है कि बस महंगाई नियंत्रित होनी चाहिए, और क्या चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए। ओवैसी का प्रभाव है मुस्लिम पर कुछ नहीं? यहाँ पर इस सीट पर कोई प्रभाव नहीं है, मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर कोई प्रभाव नहीं। किसका प्रभाव है आपके ऊपर? यहाँ पर तो सिर्फ समाजवादी और भाजपा की टक्कर है, इन दोनों में है मुकाबला। आपके अनुसार बेहतर कौन है? दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो फिलहाल समीकरण बन रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में है, सीट जो है विधानसभा की भाजपा के तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? इसमें अभी पैच फंसा हुआ है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है त्रिशंकु विधानसभा भी बनने के चांसेस बन सकते हैं, हो सकता है कि, क्योंकि पब्लिक में बहुत रोष है, गुस्सा है सरकार के खिलाफ। ये तो तय है कि भाजपा को बहुमत तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जोड़ तोड़ के माहिर है तो हो सकता है कि वो किसी से गठबंधन या बाद में विधायक तोड़ के दूसरी पार्टी के शायद बना ले अपनी सरकार, ऐसा हो सकता है। जैसे कि आज अमित शाह जी आए थे तो वो तो हैं ही, अगर वो आए हैं तो इसका मतलब तो फिर चुनाव में फिर उनकी जीत पक्की है, नहीं भी जीतेंगे तो भी बना लेंगे सरकार। मुनीर खान। आप क्या करते हैं मुनीर जी? मेरी रेडीमेड की दुकान है। सब कुछ सही चल रहा है, काम धंधा सब बढ़िया फर्स्ट क्लास? 5 साल कैसे निकले, सफल हो पाई नहीं हो पाई भाजपा? बिल्कुल नहीं। क्या समस्या रही? खत्म। खत्म कैसा? काम धंधे खत्म, रोजगार खत्म, और क्या वजह? लोग बाग भीख मांगने पर हो रहे, जिससे जो कर्जा ले लिया उसका नहीं दिया जा रहा, जिससे जो पैसे 2 पैसे आ गए वो नहीं दिए जा रहे। अच्छा। बस विकास कैसा रहा है आपके क्षेत्रों में? विकास तो नाम का हुआ। क्या हुआ नाम के नाम? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, विकास गंद है, बिल्कुल गंद मची पड़ी है जी। चुनाव में क्या होना चाहिए बता दो मुझे। चलो चुनाव में भाजपा आनी चाहिए, फिर भाजपा क्यों आनी चाहिए? गंद मची पड़ी। हाँ और गंद मचे है, रोजगार खत्म। हाँ बिल्कुल, सड़कों पर कटोरा आ जावे हाथ में आदमी के। बदलाव करोगे? हाँ जब बदलाव करेंगे जी। अभी तो किसे लाओगे? जब देखेंगे, कोई नया सुनेंगे। हाँ नया कैंडिडेट भाजपा आनी चाहिए। हाँ अभी भाजपा आनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आकिब। आप क्या करते हैं आकिब? स्क्रैप का काम है जी। स्क्रैप का काम है। युवा है? हाँ जी। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? मुद्दे तो इनके पुराने ही है जी। अपने मुद्दे बताओ आप, उनके छोड़ो। हमारे तो मुद्दे यही है कि जो भी सरकार आए विकास करे, लेकिन यहाँ विकास होता नहीं। आप जो है आगे महलों में जाके देखो, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें नहीं बनती है, कूड़ा नहीं उठता सही तरीके से, यहाँ सब गंदगी है, यहाँ और है क्या। 5 साल का हालत है, पहले भी ऐसी थी? 5 साल ज़्यादा हो गए इन टाइम में, पहले इतना नहीं था। हाँ। अब ज्यादा हो गई यहाँ पे गंदगी जो है। साफ सफाई कोई सड़क वड़क कोई इतना नहीं है। विधायक ने कुछ विकास कराया नहीं कराया क्षेत्र में कभी? अभी नहीं कुछ कराया, अभी बहुत कम विकास है यार। सुबह से कुत्ता मरा पड़ा है सामने, कोई उठाने वाला नहीं है अब तक उसे, जहाँ से आप बाइट लेके आए पहले। ये समस्या रही है प्रमुख? हाँ जी। और कारोबार है नहीं? कारोबार भी नहीं है। कारोबार की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, और बस यही है। और क्या है, दो प्रमुख मुद्दे हैं आपके। हाँ अब क्या मूड है चुनाव में, बदलाव या फिर? नहीं, हम तो बीजेपी को वोट करेंगे जी। बीजेपी को वोट क्यों करेंगे? क्योंकि अभी सब परेशान हो जाए ना पहले एक तरह से। अच्छा अभी जो लोग हैं परेशान नहीं हो रहे, वे सही से परेशान होने के बाद भी वे क्या कहते हैं नहीं हो रहे आपके अनुसार? हाँ तो वे जब पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे ना, सब एक हो गए तब चेंज करेंगे, इससे पहले नहीं कुछ होने का। 5 साल एक बार वो मौका दोगे? हाँ हम तो नहीं वोट करेंगे बीजेपी को। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है हाशिम। आप क्या करते हैं अभी हैं? आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करूं। मजदूरी करते हैं? हाँ। कितनी उम्र हो गई आपके हाशिम जी वैसे? 62 साल। 62 साल में कई सरकारें आई हैं गई हैं। हाँ। सबसे बेहतर कौन रहा है आपके लिए? हमें हमारी सरकारों पे और हमें अपने देश पे बहुत गर्व है और अपने नेताओं पे। हाँ।
क्योंकि हमें इन 62 सालों में हमारे मोहल्ले का और हमारे क्षेत्र का इतना विकास हुआ है, इतना कहीं नहीं हुआ। इन 5 सालों में क्या विकास हुआ है? इन 5 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। इनसे पहले एक हमें गंदा कुआं मिला जो पूरे जिले की लेटरिन आती है, यहाँ सीवर लाइन उसका गंदा कुआं बना हुआ है। दूसरा चीज हमें गंदा पानी मिला जो हमारे जमुना एक्शन प्लांट हमारे क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र का विकास। तीसरी चीज हमें मिली A to Z कूड़ा प्लांट हाँ, जो हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है। इससे ज्यादा विकास क्या कर सके? और पूरे शहर की गंदगी आपके क्षेत्र में है। जितनी लेटरिंग आती है फ्लैश की वो हमारे क्षेत्र में गंदा कुआ बना हुआ है, वो हमारे यहाँ बना है। 5 साल से हो रहा है, पहले से होता आ रहा है? नहीं, ये तो मैं 60 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 60 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं? 60 साल में सिर्फ 3 चीज मिली, इसके और कुछ नहीं मिला। थोड़ा इससे ज्यादा कोई गंदगी हो सकती है? विधायक जी कैसे रहे, दिखे कभी यहाँ कोई विधायक? से इलेक्शन के बाद तो किसी भी पार्टी का कोई विधायक टाइम ही नहीं रहता, करेंसी इकट्ठी करने में जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस है तो हाँ। बाद में सभी अपना लग जाए काम में। तो आपके साथ सब एक जैसे हैं? सब। ओवैसी का क्या प्रभाव है मुसलमानों पर? ओवैसी के क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, आपके अनुसार बताइए ओवैसी कैसे नेता है? ओवैसी अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छा नेता है, मगर कोई भी अगर धर्म की राजनीति करता है उससे ज्यादा नीच ता हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मेरा अपना काम है लोहे का। अपना बिजनेस है आप? जी। युवा है आप? जी। क्या मांगे इस बार चुनाव में युवाओं की? इस बार युवाओं में अखिलेश की मांगे। अखिलेश की मांग? जी। अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं युवा अखिलेश को? ऐसे अखिलेश को अखिलेश ने काम किया है इसलिए पसंद कर रहे हैं उसे। क्या काम किया है बताइए मुझे? आप ये बताइए 7 साल में इस सरकार ने करा क्या है, ये भी बता दीजिए। आप पर क्या बीती है 7 साल में? हम 7 साल में जो हमारा काम था सारा काम छिन गया है, फिलहाल नौकरी कर रहा हूँ मैं। पहले मेरा लोहे का काम था, अपना काम था, सब खत्म हो गया है फिलहाल। अब फिलहाल नौकरी कर रहा हूँ 400 रुपये रोज पे। फिलहाल नौकरी कर रहे हैं? जी। GST हर चीज सफल नहीं रही? कुछ नहीं रही। GST लगा दी लोहे पर इतनी जो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। हर चीज़ पे GST डबल कर दी उन्होंने, तो उसमें कुछ नहीं है। हमारा तो कहना यही है अखिलेश को जाएगी हमारी वोट। तो अखिलेश को जाएगी आपका? जी। क्या नाम है आपका? मोनिस नाम। आप क्या करते हैं मोनिस? कपड़े का काम। सही चल रहा है काम? काम वाम कहाँ छोड़े मोदी जी ने? कब कर रखे मोदी जी ने? अजी बिल्कुल ही खत्म कर रखे। क्या क्या रखा मोदी जी ने कि काम वाम मत करो? GST लगा दी, कारोबार नहीं रहे बिल्कुल भी कहीं भी। काम कहाँ चले? लॉकडाउन ठोकने की समस्या चल रही है। लॉकडाउन तो बीमारी से बचाव के लगता है? तो बीमारी तो वहाँ लग रही जहाँ चेकअप करे जा रहे, वहाँ नहीं बीमारी लगनी, भीड़ इकट्ठी कर रहे। यो कोरोना रुक जाएगा इसे। तो आप कैसा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन तो बस ये पब्लिक को परेशान करने के लिए लगता है। युवा है आप, चुनाव में बताइए क्या मूड लग रहा है, क्या होना चाहिए? चुनाव में तो बस अखिलेश जीतना चाहिए। अखिलेश जीतना चाहिए बस? क्यों जीतने चाहिए? क्योंकि उनकी सरकार हमारी है। हमारी मतलब कैसा? अगर वो आ गई समझो हमारी सरकार है घर की। मतलब कैसे क्यों लगता हर है? हर चीज़ की छूट है, कारोबार अच्छे चलते हैं। और छूट मतलब कैसे, मतलब क्या छूट मिलता है सर? यानी कि बस कारोबार बहुत बड़े चलते हैं उनमें। कारोबार के लिए आपको अखिलेश यादव? और जब हाँ जी, कारोबार के लिए। और ये पुलिस वाले परेशान करे जब तक। आप परेशान करते हैं? रिश्वत ले हुए? अच्छा, उसकी सरकार में नहीं लेते? उनकी सरकार नहीं लेते भाई, छेड़ते भी नहीं। अब सरकार आएगी तो आपको छेड़ेगा नहीं? कोई छेड़ना ही नहीं, नाजायज नहीं छेड़ने, जायज पे छेड़ेंगे। हाँ, जायज पे छेड़ेंगे, ये नाजायज छेड़ते हैं। ये नाजायज छेड़ते हैं। हमारी ये आपका मोहम्मद उस्मान। उस्मान क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? ये 5 साल बताइए सफल रही नहीं रही भाजपा? बिल्कुल ना सफल रही। कैसे? सामुदायिक मामलों से, हिंदू मुस्लिम करके और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम वाली? इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करी और तो कुछ करी नहीं। कोई विकास नहीं हुआ ना, इन्होंने कोई विकास किया। अच्छा, विधायक जी दिखे 5 साल में? नहीं दिखे, कोई नहीं दिखा यहाँ। सब सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करी इन लोगों ने, वही करता रहे और कुछ नहीं। अब जो चुनाव है इस बार हिंदू मुस्लिम वाली नीति काम आएगी नहीं आएगी इनकी? बिल्कुल काम नहीं आएगी, इसका जनता इन्हें जवाब देने जा रही है। समझदार होगी लोग? सब समझदार हो गए, आगा हो गए इन लोगों की राजनीति। समझदारी में किसे ला रहे हैं फिर?
अब तो समझदारी में यह है कि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन इस माहौल को देखते हुए और इनके सामुदायिक मामलों को हिंदू मुस्लिम राष्ट्र को देखते हुए कि ये हिंदू मुस्लिम करता आ रहे, तो अब के हिंदू मुस्लिम सब मिल के जो है इन्हें जवाब देने जा रहे। आपके अनुसार सबसे बेहतर कौन है, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी? बेहतर तो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी कैसे बेहतर हैं? उन्होंने जो है आप जो है जाग टाग देख लो, किसी जो है मुख्यमंत्री ने इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य उन्होंने किया, इसलिए बेहतर है जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राहिल मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जी आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ भाई। नौकरी करते हैं? रोजगार है? रोजगार अब नहीं है मेरे पे, लॉकडाउन से टूटा हुआ हूँ। लॉकडाउन से टूटे हुए हैं? 5 साल कैसे निकले हैं? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, बेकार। समस्या रही है? समस्या ही रही, कर लिया खा लिया, छुट गया काम, कर लिया खा लिया, ऐसे रहा बस। ऐसा रहा, विकास दिखता है कुछ क्षेत्र में? नहीं, कोई विकास नहीं है सर। कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है। मोहम्मद रियासत। आप क्या करते हैं? जी पशुनी दुकान है, जमीन खेती है। खेती भी है तो दोनों अच्छी खासी जानकारी रखते होंगे, किसानों की, व्यापारियों की भी। जी जी, दोनों का कैसा रहा विकास? विकास भी महंगाई का मुद्दा है, महंगाई तो महंगाई है जी। किसानों के लिए कैसी रही सरकार? किसानों के लिए तो कोई ठीक ठाक नहीं रही, गन्ने का रेट क्या 25 रुपये बढ़े हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़े, 25 रुपये बढ़ाए गन्नों पर जी। विधायक जी दिखाई दिए कभी 5 साल में कुछ विकास? कहीं पत्थर लग रहा है काला पार में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं लग रहा। तो चुनाव में क्या चाहिए इस बार? चुनाव में भी आपके आपके अनुसार कौन बेहतर रहेगा? आपको सपा, सपा बेहतर रहेगी? क्यों, सपा क्यों लगती है ऐसा? सपा है जी, सपा बेहतर, अपनी सपा ये पहले दिन सपा से वोट देता रहे पहले से। जी क्या लगता है, मतलब क्यों पसंद करते हैं सपा को? ये अच्छी है जी, क्यों बढ़िया लगती है, मैं सपा इसलिए सरकार को देते हैं, सपा को देते हैं, विकास करती है वो। हाँ जी, रोजगार देती है इसलिए इसलिए अच्छी लगती है जी। ठीक, आपका सरवर आलम। सरवर जी क्या लगता है 5 साल कैसे निकले हैं? भाई 5 साल में तो कुछ ही टाइम सही निकला, बाकी तो बेकार ही निकला। तो कुछ टाइम सही कहाँ निकला, क्या सही? जब तक लोगों को पता नहीं था जब तक तो ये सोचे थे कुछ करेगी सरकार। हाँ। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती गई ऐसे ऐसे बर्बाद करती गई। क्या क्या बर्बादी हुई है 5 सालों में आपके अनुसार? भैया महंगाई थोड़ी रहे, महंगाई और क्या क्या बताएं, बहुत सी बातों का तो हमें पता भी नहीं लगता, सरकार को ही पता कि कौन सा घोटाला कहाँ से करना, हमें क्या पता, हमें कैसे पता लगेगा? हमारे से पूछ के थोड़ा करे घोटाले, घोटाले तो वो अपना आप करे। तो घोटाले हुए हैं आप ये भी कह रहे हैं? घोटाले अगर ना होते तो ये इतना पैसा जो इसमें इलेक्शन में लगा रहे हैं, कोई इनसे पूछे तुम अपने घर से लाए तो ये पैसा कहाँ था, जनता का पैसा नहीं है वो, बताओ। तो भाजपा ही पैसा लगा रही है, पार्टियां तो और भी लगा रही है इलेक्शन। ओहो, और होगा दिखाई तो देगा यहाँ कहाँ से लाए, इनका तो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ से लाए। विधायक जी कैसे रहे हैं? विधायक जी अब क्या बता, मैं किसके बारे में, विधायक जी जब सरकारी खराब है तो विधायक कैसे होगा? कुछ नहीं कराया क्षेत्र में? नहीं थोड़ा बहुत करा, थोड़ा बहुत करके दिखा दिया, हमने करा। चुनाव में क्या होना चाहिए आप फिर से मुझे बता दीजिए फाइनल, सपा, बसपा, कांग्रेस, ओबीसी, भाजपा, आम आदमी पार्टी? भाई वो तो हम बताने के नहीं थी कौन होगा, बाकी सरकार यो होने की नहीं, यो नहीं होने की, बाकी कोई भी हो। जी मोहम्मद इरफान। इरफान क्या करते हैं? जी मैं फेरी का काम करता हूँ जी। फेरी का काम जी, करते हैं? रोजगार बन पड़े, बिल्कुल सरकार बिल्कुल ऐसी आ गई, कुछ भी नहीं करा और रोजगार लोगों के सबके बन पड़े और ये इलेक्शन के टाइम पे आगे हिंदू मुस्लिम करवाता चाहते हैं, और मतलब ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद के झगड़े ये झगड़े ये ऐसा क्यों करते हैं इलेक्शन के टाइम पे? तो इस बार हो पाएगा? नहीं, नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो भी है समाज को उसको वोट देना चाहिए, जो मतलब समाज के काबिल सही इंसान हो, काम कर रहा हो, उसे वोट देना चाहिए। तो वो कौन है इंसान आपके अनुसार? भैया आप सारी पार्टियां खड़ी है, तैयारी पे खड़ी है, आप इन्हें वोट देवें। जो आपके अनुसार कौन बेहतर है? साइकिल का निशान है ये, बहुत दिन से नहीं हो, अखिलेश यादव इन्हें भी करना चाहिए, सबको पार्टी को जिताना चाहिए, सबको रखना चाहिए। अखिलेश यादव आपकी पहली पसंद है? हाँ पहली पसंद है, अखिलेश यादव को वोट देवे। विधायक जी? विधायक जो यहाँ के बनेंगे बंटी बबली उन्हें वोट देवे। ठीक, क्यों यहाँ का विकास? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अली अब्बास है। अली जी क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट थे जी। कितनी उम्र हो गई आपकी वैसे? मेरी 75-76 साल की उम्र। 75-76 साल की उम्र हो गई। कितनी सरकारें देखी होंगी, आई हैं गई हैं, सबसे बेहतर अभी तक कौन रहा है आपके अनुसार? भैया अखिलेश रहा, जिसने नौजवानों को पैसा दिया, बेरोजगारी का दिया, नौकरी लगवाई,
बस और कोई नहीं रहा, और कोई नहीं रहा। वहाँ कुछ नहीं किसी ने सर्विस दी। यहाँ तो महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही। सिलेंडर दुनिया भर का 950 रुपए का सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी वैसे मारा जा रहा, बेकारी। कुछ लॉकडाउन ने तबाह कर दिया, कुछ सरकार ने तबाह कर रखा, ये हो रहा। तो बड़ी समस्या रही है, बहुत भारी समस्या है। और गरीब आदमी तो बिल्कुल और गरीब हो गया, और अमीर पर और अमीर होते जा रहा। विधायक जी ने क्या कराया क्षेत्र में? कुछ कराया नहीं कराया? क्या कुछ भी नहीं कराया यहाँ तो। इधर तो झाँकता भी नहीं कोई आके, कोई नहीं झाँकता। हाँ, आता भी कोई। हाँ, चुनाव में क्या होना चाहिए फिर ये बता दीजिए मुझे। चुनाव में अच्छा आदमी आना चाहिए, हम उसे वोट देंगे। अच्छा, जो अच्छा आदमी होगा, जो काम करने वाला आदमी होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे काम तो करे, गरीबों का कुछ तो उद्धार करे। हाँ, लेकिन जब काम ही नहीं करते तो कौन देगा वोट? एक मिनट। हाँ, मोहम्मद यूनुस। यूनुस जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 65-70 के करीब आ रही है। 65-70 में कई सरकारें देखी होंगी? कई सरकार देखी, देखते आ रहे हैं। सबसे बेहतर कौन लगा अभी तक? भाई बात तो ये है, लगा तो बेहतर ही है, और हैं भी नहीं भी हैं। सारी सरकार हर चीज़ का महंगाई है, खाने पीने हर चीज़ महंगाई है। हाँ। गरीब आदमी तो है ही नहीं, कारोबार नहीं है उनके बेचारों के, सब खत्म हो गए कारोबार। हर चीज़ की महंगाई है, महंगाई रही है 5 सालों में। महंगाई बहुत है, खाने पीने के हर चीज़ महंगाई है। हाँ। अब चुनाव है, चुनाव है, चुनाव दे तो बेहतर है, कौन तो होता है। हाँ। अभी तक कौन बेहतर रहा है? भाई फिलहाल तो बेहतर तो यही आता, मोदी जी बेहतर लगे आपको ये? हाँ, बेहतर लगे हैं, मगर अब ये आने वाली जो है, ये ढेरों सामान बिक रहे हैं, ये उधर कट्टा है, वो बिक गया है, हर चीज़ बिक गई है, सामान की हर चीज़ बिक रही है। हाँ, विधायक जी कैसे रहे? ठीक है, दिखते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं। हाँ, क्यों नहीं दिखते हैं? वैसे पता कुछ नहीं, सरकार कौन सी आती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।